नमस्कार, स्वागत है आपका यूपीएस न्यूज 24 लाइव में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हर रविवार करें डेंगू पर वार। डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर एवं जिला अधिकारी उधम सिंह नर ने जनपद वासियों से की डेंगू और मलेरिया को लेकर अपील। जिलाधिकारी ने कहा सावधानी ही हमारा बचाव है। क्या कुछ कहा डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर एवं जिलाधिकारी ने, देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे धर्मपाल सिंह के साथ हर खबर सबसे पहले। जना राजगुरु, जिलाधिकारी उधम सिंह नगर। मेरा सभी से अनुरोध है कि राज्य सरकार द्वारा एक अभी कैंपेन चलाया जा रहा है डेंगू से बचाव के लिए, हर रविवार करें डेंगू पर वार। इसमें आपको प्रत्येक रविवार अपने घर पे 15 मिनट देना है और उस पर पूरा जो आपके कूलर हैं, जो आपके ट्यूब टायर हैं, आपके गमले हैं, ओवरहेड टैंक है, उसकी सफाई करना है और यदि उसमें कहीं पानी इकट्ठा हुआ है तो उसको गिरा देना है और उसमें फ्रेश वाटर भरना है ताकि डेंगू के लार्वा, डेंगू के मच्छर कहीं पैदा ना हो। और इसके साथ ही साथ हमें लोगों को सतर्क भी करना है, जागरूक भी करना है और अपना बचाव भी करना है। और साथ ही साथ में हम ये भी देखें कि यदि किसी को घर में बुखार होता है, किसी को और भी कोई ऐसा लक्षण आता है तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और वहाँ पे उसकी जांच करवाएं। बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है और हर रविवार ध्यान रहे 15 मिनट अपने घर के लिए ज़रूर देना है, अपने आसपास की सफाई अवश्य करना है। तो मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है कि प्लीज़ इस पे आप ध्यान दें ताकि अपने परिवार को और पूरे अपने जनपद को और अपने राज्य को इससे हम लोग बचा पाएँ। थैंक यू। ऋषि जोशी, डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर उधम सिंह नगर। सारे जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जैसे आजकल बरसात का समय चल रहा है, डेंगू बीमारी के बारे में जो वो इससे कोई डेंगू से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी बीमारी है जो स्वतः ही एक आध हफ्ते में ठीक हो जाती है। इसलिए मेरा सब लोगों से अनुरोध है कि अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर ये पानी टायरों में जमा हो और ओवरहेड टैंक में जमा हो, गमलों में जमा हो तो उनको खाली कर दें, और टूटे फूटे बर्तनों में जमा हो उसको खाली कर दें, क्योंकि डेंगू फैलाने वाला जो मच्छर है वो ज़मीन में जो टच पानी होता है उसमें ब्रीड नहीं करता है। ये सिर्फ जमा जो मैन मेड कंटेनर्स होते हैं, लोगों के द्वारा बनाए कंटेनर्स होते हैं, उन्हीं में ब्रीड करते हैं। और अगर किसी को इसके जो लक्षण हैं, इसमें आँखों के फ्रंटल पोर्शन पर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, तो सिंपल जो डेंगू फीवर है ये स्वतः ही 6-7 दिन में ठीक हो जाता है। इसमें सिंपल पैरास्टामोल की गोली लें, तरल पदार्थ लें। अगर किसी को हेमरेजिक डेंगू की शिकायत होती है वो तो तुरंत जो है हमारे जितने भी जिला चिकित्सालय हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उसमें डॉक्टरों से संपर्क करें। और मेरा सबसे अनुरोध है इसको, इस मच्छर को, ये मच्छर डे बाइटर मॉस्किटो होता है, फुलस्तीन के कपड़े पहनने चाहिए, घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देने चाहिए, और जो है बुखार होने पर पैरास्टामोल की गोली लें। ये बीमारी स्वतः ही एक आध हफ्ते में ठीक हो जाती है।